NIDS कानपुर शहर का ऐसा नाम, एक ऐसा फैशन इंस्टीट्यूट जिसने बहुत ही कम समय में अपने कानपुर शहर में छाप छोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जो NIDS की फाउंडर है। पिछले कई सालों से कानपुर से लेकर देश के अलग अलग जगहों पर इनके स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं ऐसा प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर के तौर पर। तो चलिए मैं सीधे मुखातिब कराता हूँ आपको संगीता श्रीवास्तव जी से, जो यहाँ की फाउंडर है और हमसे खास बातचीत में ये हमसे कुछ डिटेल्स शेयर करेंगी, बताएंगी कि NIDS ऐसा क्यों खास है। और हम इनके बारे में आपको बता दें कि इनका जो शेड्यूल रहता है, जैसा कि ये जिस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, इनका सिर्फ एक ही एक सपना है, ड्रीम है कि कानपुर में उन उन वर्गों को, उन उन अलग अलग से क्लास के लोगों को संपन्न किया जाए, उनकी स्किल्स को बढ़ाया जाए जो किसी ना किसी हालातों के चलते फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान या फिर अलग अपना ड्रीम नहीं देख पा रहे। चलिए मैं सीधे मुखातिब कराता हूँ आपको संगीता जी से, जो हमें बताएंगी खास तौर पे क्या है NIDS, क्या है कानपुर की पूरी थीम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया लाइव टीवी पे। आप हमें विस्तार से बताइए क्या क्या खास है आपके NIDS। हमारे NIDS में जो है हम लोग काम करते हैं बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ की जो ये साउथ की जेंट्री आती है ये बहुत ही मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पाती है, जिसको मतलब हम लोग कहें कि आप कुछ भी लगा लो, कहीं भी कुछ करके कर लो। तो बच्चे आते हैं कहते हैं कि हमको मैम ऐसा सिखाइए कि हम लोग अपना काम कर सकें। अब हम लोगों को उसमें क्या होता है कि सारा आप जानते ही हैं कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कितना रहती है, तो हम लोगों ने उसको थोड़ा 2 साल का शॉर्ट कोर्स किया और बच्चों को उतना बेसिक बताया। फिर उसके बाद उनको हम लोग मेन स्टिचिंग पे और ड्राफ्टिंग पैटर्न लेआउट इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि एटलीस्ट बच्चे अपनी बुटीक का तो काम कर सकें, एटलीस्ट है ना कि वो अपना काम करें और अपना सब जगह बताएं। ये चीज़ें हम लोग लेके चल रहे हैं। ओके संगीता जी, और अक्सर देखा गया है कि कानपुर में, जैसा कि आपने बताया कि फैशन इंडस्ट्री को लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, फैशन के कल्चर को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि आपके कुछ स्टूडेंट्स से भी मैंने बात करा तो सुनने में यही आता है कि जैसे गाला ड्रेस हो गई और अलग अलग ड्रेस हो गई, तो डिजाइनर्स तो मेहनत करते हैं मगर आज भी हमें उनका 100% जो एफर्ट्स होता है वो लगता है मगर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते। इस विषय में आपकी क्या राय है? अब बच्चे हैं उनको तो अब जो पुराने जमाने से चला आ रहा है इतना तो बच्चे जानते नहीं है, उन्हीं को हम लोग जो है मैं पढ़ाते हैं, बताते हैं कि बच्चे आगे कैसे करना है और कितना आगे बढ़ाना है इसको। और डिज़ाइन के बारे में हर चीज़ का एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसको जो हम लोग बताते हैं, उसकी थ्योरी, उसकी थीम सब जो समझाते हैं, तब बच्चे उनको जानते हैं, फिर उस पर अपना वर्क करते हैं। मैं संगीता जी आपके विषय में बात करूंगा, आपने अपने आप को, हम लोग अक्सर आपको फॉलो करते रहते हैं, देखते भी हैं, आपने बहुत ही कम समय में कानपुर शहर में एक अलग सी पहचान बनाई है, लोग आज कि आपके NIDS को जानते हैं और आपके स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं मार्केट में। तो अब हम बात करते हैं क्या है संगीता श्रीवास्तव जो पूरी तरह से इतना अपना 100% दे रही है, कोई आपका खासा लगाव रहा है इस फील्ड की ओर? हाँ, बचपन से मुझे इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा होता, फिर हम लोग ने इस पे काम करते रहे आगे पढ़ाई के बाद, फिर हम लोग जब पहले मैंने एक बुटीक का अपना काम किया, फिर उसमें ऐसा लगा कि बच्चे जो है हम लोग को बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती थी, फिर सडनली जो है घर में फैमिली में ऐसे बात हुई कि तुम्हें इतना वो है तो अपना एक इंस्टीट्यूट डालो, लोगों को सिखाओ, फिर सोचा गया, फिर उस पर बैठ करके नाम सोचे गए, फिर वामा नाम बहुत पसंद आया, उसको हम लोग ने ले करके बनाया और फिर अब 2-4 बच्चों से शुरू किया था। जब स्टार्ट किया था 2003 में तो बस हमारे पास तुरंत 2000 बच्चे आए और अब तो कई बैचेस चल रहे हैं। ओके संगीता जी, आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि NIDS और किन क्षेत्रों में आगे अपना परचम लहराएगा, क्या क्या कोई विशेष तैयारी है आपकी और आप NIDS की? अब ये है कि बच्चों को हम लोग शो वगैरह कराते रहते हैं और ये कि बच्चों को ही आगे बढ़ाना है हम लोगों का, और NIDS के 2-3 ब्रांच और खोलने की हम लोग की प्लानिंग चल रही है, जो कानपुर में फिर कानपुर के बाहर भी इसकी ब्रांचेस खोले और अपने ही बच्चों को कोशिश करेंगे कि ऐसा फैकल्टी वहाँ लेकर के आए तो उनको अपना प्लेटफॉर्म उनको एक मिलेगा कि वहाँ पर ये काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी NIDS की फाउंडर संगीता श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमें बताया कि उनका ड्रीम है, क्योंकि अगर ड्रीम तभी भी हर किसी भी शख्स के अच्छे हो सकते हैं, सशक्त हो सकते हैं, जब उस पर अपना 100% दें, 100% इम्प्लीमेंट से ही रिजल्ट अपने आप में बहुत अच्छा होता है। खासतौर पर इन्होंने बताया कि
अगर जिनका पैशन रहा है, इनका बस एक ही सपना है कि कानपुर में खास तौर पे जहाँ पे लोकेटेड है और भी शहर से लोगों की स्किल्स बढ़े, तो लोगों का नजरिया बढ़े, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब मैं अक्सर ये लाइन दोहराता रहता हूँ कि अपना कानपुर आगे चल के एक देश में नाम करेगा और माया नगरी कह सकते हैं, दूसरी माया नगरी अपने कानपुर में तैनात होगी। इसी के साथ कैमरामैन रजत के साथ आकाश, इंडिया लाइव टीवी के लिए NIVS कानपुर।